वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। भौतिक शास्त्र के अध्ययन पर ऐसे बातें बताई जिसे जानकर आप किसी व्यक्ति और किसी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसे कुछ रहस्य आपके सामने आ जाते हैं जिससे आप आसानी से यह पता कर सकते हैं सामने वाला कैसा है। आप भी आपके बारे में आपकी रहस्यमय खूबियां जान सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर के रहस्य है। चलो ज्यादा बात न करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सबको दो हाथ है और उन हाथों पर उंगलियां है, लेकिन इन सब में से कुछ डिफरेंट बताता है कुछ खूबियां। उस खूबी में है हाथों की सबसे छोटी उंगली, मतलब हाथ की यह वाली उंगली जिसे हिंदी में कनिष्ठिका कहा जाता है, मतलब लिटिल फिंगर, छोटी है लेकिन बड़े रहस्य खोल देती है। जनरली यह तीन तरह की होती है। पहला, छोटी उंगली की हाइट इस लाइन के समान होती है, सेम होती है। दूसरा, यह उंगली की हाइट इस लाइन से थोड़ी लंबी होती है। तीसरा, यह उंगली की हाइट इस लाइन से कम होती है हाइट में। अब आपकी हाथ की उंगली कौन सी है वह चेक कीजिए इसी वक्त। अब आगे की बात जान लीजिए। अब आपको इस ट्रिक से खुद के बारे में और दूसरों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। नंबर वन, अगर आपकी हाथ की सबसे छोटी उंगली ऐसे है, मतलब सेम लाइन तक माना जाता है, ऐसे लोग बात करने में बहुत अमीर होते हैं। मतलब इनमें वह खासियत होती है अपने बातों पर किसी को भी जल्दी से अपना बना लेते हैं। ऐसे लोगों का लॉजिक बहुत कमाल का होता है। अगर कोई काम हाथ में ले तो यह अपने पूरे दिल से करते हैं। अगर उस काम में इन्हें खुशी ना मिले तो उस काम को जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी इन लोगों को अपना काम मजबूरी में भी करना पड़ता है। ऐसे लोगों को किसी काम में अगर सफलता जल्दी ना मिले तो यह लोग जल्दी हताश हो जाते हैं। कभी कभी इन लोगों पर आलस जल्दी हमला कर लेता है। यह इतनी इमेजिनेशन वाले होते हैं कि इनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। डेली प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग करने में इनकी प्लानिंग ही रह जाती है क्योंकि उसे पूरा नहीं कर पाते। अपने सॉफ्ट नेचर के कारण घर में ये सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन इन्हें किसी काम में अगर सफलता चाहिए तो इन्हें बहुत समय तक सब्र करना होता है। अगर पुराने ग्रंथों की बात करें तो कहा जाता है अगर इन्हें जल्दी सफलता ना मिले तो 28 साल के बाद इन्हें सफलता मिलती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सफलता भी बढ़ती है। यदि ऐसे लोग आलस करना छोड़ दे तो सफलता 100% मिलती है। इसीलिए मेडिटेशन, व्यायाम, योगा करना इन्हें जरूरी होता है। नंबर टू, अगर आपके हाथों की छोटी उंगली ऐसे है, मतलब इस लाइन में सबसे बड़ी है, तो आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं और इनका आत्मविश्वास, मतलब कॉन्फिडेंस, कमाल का होता है। किसी भी कार्य में कम मेहनत और ज्यादा सफलता पा लेते हैं। कोई भी काम क्यों ना करे लेकिन इन्हें सफलता मिलती है, जिसे हम लक कहते हैं, वो इन लोगों के साथ होता है, मतलब लकी इंसान होते हैं यह हम कह सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो जितने बड़े आदमी बने हैं उन लोगों के हाथ की उंगलियों को आप जरूर ऑब्जर्व करें, आपको पता चलेगा ऐसे लोग ज्यादा होप करते हैं, आगे कैसे बढ़े यही सोचते रहते हैं। यह जिद्दी स्वभाव के होते, कोई जीत ठान ले तो वह पूरा करने में कोशिश करते हैं पूरी तरह से। इन लोगों को टाइम के पक्के माने जाते हैं, लेकिन कमजोरी यह है कि बाकी लोगों से इनका बहुत ही कम पड़ता है। एकाएक सबसे इनकी तालमेल नहीं जमती, हार्ड वर्क के कारण यह बड़े बड़े सफलता पा लेते हैं। नंबर तीन, अगर आपके हाथ की उंगली इस लाइन से छोटी है तो ऐसे लोग एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग समाज कल्याण में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र यह करते हैं। यह मान लीजिए जितने भी सोशल वर्कर बड़े हैं, मतलब महान पुरुष बने हैं, वह इनकी श्रेणी में आते हैं। सामाजिक कार्य करने में ये हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इन लोगों की आपको खास बात बताए तो ये लोग कोई भी डिसीजन लेने में ये बहुत कंफ्यूज होते हैं, फिर बड़ा काम हो या फिर छोटा। ऐसे लोग पैसों को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन आप इन्हें कभी भी मदद मांगे तो यह सदा तैयार रहते हैं। कभी कभी इसी नेचर के कारण लोग इनका गलत फायदा भी उठा लेते हैं, खुद का काम छोड़कर दूसरों का काम ये करते हैं। इसी कारण इन्हें सफलता में रुकावट मिलती है और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, दूसरे की फिक्र इन्हें सबसे ज्यादा रहती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज ड्रॉप ए लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।